और एक बात बताओगे तो नंबर थ्री पे चला जाता है, और नंबर थ्री पे जाने का बाद हवा बहुत जोर से होता है। ये देखो ऐसे इसका हवा है, बहुत जोर से हो रहा है। वेलकम बैक टू टीटी लैब। आज हाथ में आ गया ये बजाज इंस्पायरिंग ट्रस्ट। ये बजाज का एक छोटा फैन है जो कि मोबाइल चार्जर पे चार्ज होने का बाद 4 आवर्स तक बैकअप दे सकता है। ऊपर क्या लिखा है, 4 आवर्स बैटरी बैकअप, 1 ईयर वारंटी, हाई स्पीड यूएसबी चार्जिंग एंड मल्टी फंक्शन क्लिप। इसका नाम है पिग्मी मिनी पर्सनल फैन। तो ये फैन कैसे है, कैसे काम करता है, चलो देख लेते हैं। इसका प्राइस है 1785, मेरे को ऑफर में ये 1000 का करीब लिया है, और ये मैं ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया हूँ। ये कलर पे नहीं, ये कलर बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन मेरे को वाइट मिला है। तो ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ब्रांड का है। तो चलो अभी मैं इसको धीरे धीरे अनबॉक्स करता हूँ। इस साइड में ये लिखा है और नीचे क्या है, कुछ नहीं है। तो चलो ऊपर से धीरे धीरे अभी अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो ऐसे बॉक्स ओपन होता है, ऐसे ओपन होता है। तो यहीं पे है बिल, और इसके साथ एक वारंटी कार्ड भी मिलेगा। तो अभी मैं इस फैन को धीरे धीरे बाहर लेके आ रहा हूँ, और ये एक मैनुअल जैसा है। ओके, ऐसे बजाज का मैनुअल है, कैसे कैसे काम करता है ये मैं पूरा दिखा देता हूँ। अभी ये फैन ऐसे एक सॉफ्ट पेपर जैसा इसका अंदर रहता है ये फैन। चलो ये फैन बाहर आ चुका है, और बहुत ही खूबसूरत है, छोटा सा है, और बॉक्स का अंदर कुछ एक केबल है। ये देखो बॉक्स का अंदर ये केबल है, ये केबल फैन पे कनेक्ट होगा, ठीक है, और इस साइड चार्जर यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट होगा। ओके, ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, टाइप सी नहीं है ये। ओके, और ये आपका चार्जर का जो एडाप्टर है उसमें कनेक्ट होगा ये। चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अभी फैन को मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ। ओके, ये फैन को अनरैप करने का बाद देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये फैन। अच्छा, ये हो गया फैन, और ये बहुत ही हल्का सा वेट है। और ये नीचे क्या लिखा है, ये नीचे मॉडल नंबर सब कुछ लिखा है, और इसका जो ये रबराइज्ड है, और ये 1 2 3 4 5 6 है, इसलिए बहुत अच्छे से ये ग्रिप होता है। और मूव करने के लिए ये देखो, ये ऐसे मूव कर सकते हैं, ऊपर तक जा सकता है, नीचे तक जा सकता है, और ये ऐसे भी मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसे रोटेट भी कर सकता है, और ऐसे ऊपर नीचे भी जा सकता है। और ये क्लिप जैसा है, नीचे देख रहे हो ना, इसको तो आराम से कहीं भी लगा सकते हो ऐसे करके। ओके, अभी ये फैन का स्विच कहाँ पे है, चलो मैं देख लेता हूँ। ओके, और स्विच इसका पीछे है, देखो ध्यान से, ये है स्विच। अगर इसको मैं एक बार प्रेस करूँगा तो ये फैन ऑन हो चुका है, और हवा तो बहुत बढ़िया दे रहा है। और यहीं पे जो स्विच है, इसको अगर और एक बार दबाओगे तो 2 नंबर पे चला जाता है, और एक बार दबाओगे तो नंबर 3 पे चला जाता है, और नंबर 3 पे जाने का बाद हवा बहुत ज़ोर से होता है। ये देखो ऐसे इसका हवा है, बहुत ज़ोर से हो रहा है। नंबर 3 पे है ये, और अगर 3 बार दबाने का बाद और एक बार इसको दबाओगे तो ये फैन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको मैं चार्ज में लगाता हूँ, चार्ज में लगाने का बाद कैसे क्या दिखता है एक बार देख लेता हूँ। यहीं पे देखो चार्ज में मैंने लगा दिया, और ये चार्ज में लगाने का बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहीं पे चार्जर के साथ कनेक्ट होता है, और ये रेड कलर का लाइट दिख रहा है। मेरे को लग रहा है ये फुल होने का बाद ग्रीन हो जाएगा, मेरे को लग रहा है, मैं अभी तक नहीं देखा, फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे ही फटाफट अनबॉक्सिंग रिव्यू देखने के लिए देखते रहो टीटी लैब।